हेलो एवरीवन, टुडे वी कैन टॉक अबाउट द करियर इन टीचिंग। आज हम टीचिंग में करियर के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं या फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हम किस तरह से, क्योंकि एक जो फाइनल अगर हम बात करें तो फाइनल बात आती है कि क्या हम अर्निंग कर पाते हैं। ओके, बाकी मॉरल चीज़ें अलग चीज़ें हैं, बट क्वेश्चन आती है फाइनल अर्निंग की कि अगर हम कोई कोर्स अगर करते हैं, बेसिकली हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे या इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि आप इंग्लिश को एज अ करियर किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, जो जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो हम बेसिकली अगर बात करें तो या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे या प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अपनी जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप लोगों के लिए जो फील्ड होते हैं वो यूजुअली हम TCT उसे कहते हैं, अप टू 10th क्लास टीचर। एंड इफ़ यू आर PG पोस्ट ग्रेजुएट, देन यू गो फॉर PGT और हम कहते हैं कि अप टू 12th क्लास के जो भी टीचर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं कि इन केस आप नेट आपने क्वालिफाई किया है या आप आपके पास में उससे ऊपर नेट या आपने उसी सेम सब्जेक्ट में PhD की है तो नेट एंड PhD से आप हायर लेवल की एजुकेशन में जा सकते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा, ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली आप इसमें जहां भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन पूरी होती है वहां आप जॉब पा सकते हैं। सेम थिंग हैपन्स इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आप दो चीज़ें और अपनी टीचिंग के साथ कर सकते हैं। पहला है आपके लिए टीचिंग में आप कर सकते हैं ट्यूशन और दूसरी है कोचिंग। आप जो भी ये तैयारी होती है कंपटीशन के लिए उसके लिए आप कोचिंग कर सकते हैं या अप टू 12th स्टैंडर्ड आप ट्यूशन्स ले सकते हैं। इसमें आप लोग देखते होंगे कि आज काफ़ी अच्छा ये बिजनेस है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ध्यान इस तरफ को नहीं जाता और वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं बहुत कम सैलरीज पे। प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो अभी जिनके बारे में मैं कहूंगा कि वो बेस्ट हैं। अगर आप अभी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हैं और आप जॉब करना चाहते हैं, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करूंगा। दूसरा एक बहुत ही बेस्ट जो ऑप्शन है आप लोगों के लिए ऑनलाइन है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप भी दे सकते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट में आप वेल क्वालिफाइड हैं या एटलीस्ट यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन आप किसी टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं तो आप ऑनलाइन में टीचिंग शुरू कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, उन्हें सेल कर सकते हैं, उनके थ्रू पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि अनअकैडमी हो गया या वेदांतु हो गया या आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला सकते हैं और ऐसे ही कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं डेडिकेशन से पढ़ा के। अब बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ स्कूल, आपको गवर्नमेंट सेक्टर, पहले गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में आपके स्टेट लेवल के स्कूल्स होते हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे आप लोगों को मैं बता दूं कि दो तीन टाइप के स्कूल्स होते हैं। एक होते हैं आप लोगों के गवर्नमेंट के जो सभी लोग जानते हैं कि जो स्टेट लेवल के प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और हायर जो भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, लेकिन साथ में कुछ और स्कूल्स होते हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। उसमें एक है कस्तूरबा गांधी, ओके, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। दूसरे कुछ समाज कल्याण विभाग के स्कूल्स होते हैं और जो तीसरे जो लेवल होते हैं वो होते हैं नवोदया। नवोदया आपके स्टेट लेवल पर भी हैं, ओके, और जो सेंट्रल लेवल पे भी हैं। अब कुछ सेंट्रल लेवल के स्कूल्स के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल लेवल पे आप KVS में आप फाइट कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय NVS में फाइट कर सकते हैं और साथ में ही दिल्ली के जो स्कूल्स हैं
DSSB एंड अदर्स, उनमें आप फाइट कर सकते हैं। हाईर एजुकेशन में आप लोगों को पता ही है कि जो कॉलेजेस हैं उनमें आप सेंटर और गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल के हैं उनमें आप फाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के जो बेस्ट स्कूल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अभी आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आप प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपने लिए 10 कुछ बड़े ब्रांड्स के स्कूल्स, कोई भी जो बिग ब्रांड्स होते हैं उनके कुछ स्कूल्स हैं। कई लोगों को पता नहीं होती ये बात कि जैसे HCL है, ओके, HCL का जो फाउंडेशन है वो है शिव नादर फाउंडेशन। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल्स होते हैं और लगभग गवर्नमेंट की तरह सैलरी भी देते हैं और अच्छी फैसिलिटीज देते हैं। दूसरे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में आप ट्राई कर सकते हैं, दे हैव क्वाइट गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचिंग। थर्ड अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ जॉब कर चुका हूँ पतंजलि में, तो पतंजलि के जितने भी स्कूल्स हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में, मतलब टीचर्स को बहुत अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं और अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो अच्छी सैलरी और अकोमोडेशन, आपको अकोमोडेशन मिलता है, फूड मिलता है और उसके साथ में आपको सैलरी मिल रही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को टीचिंग के फील्ड में देते हैं ये लोग। तो इसी तरह से आप किसी भी, जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग करने की बात आती है, तो मेरा आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में हमेशा किसी बड़े ब्रांड के नीचे ही टीचिंग करने की कोशिश करें जब तक हो पाए। बाकी छोटे अगर आपने, और काफ़ी सारे स्कूल्स हैं वैसे बड़े ब्रांड्स में, DPS और भी आप लोगों को मिल जाएंगे ऐसे स्कूल्स, तो DAV हो गए, DPS हो गए, तो इस तरह के स्कूल्स, और विद्या मंदिर हो गए, तो इस तरह के स्कूल्स आपको अच्छी फैसिलिटी देते हैं, अच्छी सैलरीज देते हैं, आप अच्छा ग्रो करते हैं। और काफ़ी छोटे स्कूल्स होते हैं उनके साथ वर्क करने में ये प्रॉब्लम होती है कि कभी सैलरी, कभी और चीज़ों की थोड़ी दिक्कत होती है, बट अगर आपके पास यहाँ तक पहुँचने के साधन ना हो तो आप उनके साथ में कर सकते हैं। अब बात आती है ऑनलाइन। ऑनलाइन के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऑनलाइन में आप अपना चैनल शुरू कर सकते हैं, अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली अनअकैडमी ज्वाइन करने की सोचिए और वेदांतों पे पढ़ाने की सोचिए। तो होपफुली कि इस वीडियो ने आप लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा गाइडेंस देने की कोशिश की होगी, तो होपफुली इट विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।